हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ वेलोसिटी ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन अबाउट ओन एक्सिस सो दैट वेट एट इक्वेटर बिकम 3/5 ऑफ इनिशियल वैल्यूज। ओके, आपको क्या बोल रहा है, अर्थ के रोटेशन का वैल्यू निकालना है। सच दैट कंडीशन क्या दिया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी वेट क्या है, 3/5 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट क्या दिया आपके पास, वेट क्या हो रहा है, इज 3/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेट। अब जब भी क्वेश्चन में वेट दिया रहा है तो इनडायरेक्टली क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको ये एम जी डैश, ये 3/2 कितना हो रहा है आपके पास, ये एम जी, एम एम कैंसल, जी डैश इज इक्वल टू 3/5 ऑफ जी, ये आपको गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेट कंसिडर करो ये अर्थ है, ये अर्थ यहाँ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके रोटेटेन का स्पीड निकालो कहां पे, इक्वेटर पे। क्या निकालना, अर्थ रोटेट कर रहा है तो ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ रहा समझ में, ओके यस। चलो, तो हमें क्या दिया, जी का रिलेशन दे के रखा है, ओमेगा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, तो आपके पास क्या है, ड्यू टू अर्थ के रोटेशन से जो जी आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जी डैश, इफेक्टिव जी। तो इफेक्टिव जी का फॉर्मूला कितना है, इस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब जी डैश कितना आता है हमारे पास, जी डैश इज 3/5 टाइम्स ऑफ जी, तो यहां लिखता हूं मैं 3/5 टाइम्स जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर आर इन टू कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, क्वेश्चन किस पे चल रहा है, इक्वेटर पे चल रहा है, यस। ठीक है, ओके, ऑन एट इक्वेटर्स दिखा है, एट इक्वेटर्स तो cos थीटा, थीटा क्या लिखता हूं यहाँ पे, जीरो, तो cos स्क्वायर जीरो, cos स्क्वायर जीरो वन, तो यहां से यहाँ 3/5 टाइम g इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, तो इस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g माइनस 3/5 टाइम g, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ g, g का वैल्यू कितना होता है 10, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, वी कैन से ये इससे कैंसल टू कितना आ रहा, 4। क्लियर नाउ, अब मुझे यहां से ओमेगा स्क्वायर आर कितना आएगा, 4/r। ओके, आर का वैल्यू कितना देकर रखा है क्वेश्चंस में, 6400 किलोमीटर, तो आर सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो 4/64 किलोमीटर इंटू क्या करता हूं मैं, 1000 कर देता, सो दैट किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया यहाँ से, और इसे कैंसल भी करता हूं, ये 16, तो आंसर आ रहा है इस 1/16 इनटू 10 रेस टू हाउ मच, 5। क्लियर, या तो समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको ऊपर लिखता हूँ इस 100, नीचे क्या करता हूँ यहाँ पे 16 इनटू 10 रेस टू 7 कर लेता हूँ। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ऊपर 100 नीचे भी 100, नीचे का 100 10 रेस टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास डिविजन करना ईजी हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर इज 6.25 इनटू 10 रेस टू कितना आएगा, -7, कितना आएगा ये 100 डिवाइड बाय 16। हमेशा मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को लार्ज रखता हूं सो दैट डिवीजन इजी रहे। मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 100 नीचे इनटू 100, 100 क्या होगा 10 रेस टू 7 बना देगा, 10 रेस टू 5 के साथ कंबाइन होकर 10 रेस टू 7। ठीक है, ये कैंसिल कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 16 6.25, अब कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 10 रेस टू -7। अब क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट में क्या लिखो, अंडर रूट 6.25 इंटू 10 रेस टू -7, इसको लिखता हूँ अंडर रूट 62.5 इंटू 10 रेस टू -8, 10 रेस टू -8 बाहर, तो अंडर रूट में कितना आएगा 62.5 इंटू 10 रेस टू 4। अब 62.5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, तो 8 से थोड़ा सा कम, 8 से कम कोई ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ए है, मतलब क्या होगा 7.9। तो आपको 62.5 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना, 62.5 का स्क्वायर रूट चेक करोगे किसके आसपास आएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 8 आता है, तो 62 का स्क्वायर रूट 8 से कम आएगा, 7.9 समथिंग आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन में देखो है क्या, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन 7.9, मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर कितना होगा, ये इज 7.91 इनटू 10 रेस टू -4। क्लियर समझ में, चलो सिंपल, आपको वेट का रिलेशन दिया था, तो हमने वेट के रिलेशन से जी का रिलेशन निकाल दिया, और मुझे क्या निकाला, अर्थ रोटेट कर रहा है, ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, ड्यू टू रोटेशन आपके पास जी का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू कितना होता है ड्यू टू रोटेशन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा निकाल दिया।
क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.